Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. अगर कोई बेड पर या चारपाई पर सोया हुआ हो या लेटा हुआ हो तो क्या कुरान करीम की तिलावत नीचे बैठने की सूरत में जबकि कुरान करीम नीचे हो तो क्या कुरान करीम की तिलावत की जा सकती है या तिलावत नहीं की जा सकती। अगर कोई शख्स बेड के ऊपर लेटा हुआ है या बैठा हुआ है और उसकी टांगें नीचे लटकी हुई नहीं हैं तो फिर ऐसी सूरत के अंदर कुरान करीम की तिलावत नीचे बैठ के भी की जा सकती है, इसलिए कि कुरान करीम के जो अदब है वो ऐसी सूरत के अंदर बेअदबी नहीं हो रही है क्योंकि पैर चारपाई के या बेड के ऊपर हैं, लटके हुए नहीं हैं। लटकने की सूरत के अंदर कुरान करीम की बेअदबी होती है, जिसकी बुनियाद पर कुरान करीम की बेअदबी होने की बुनियाद पर नीचे कुरान करीम की तिलावत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर बेड के ऊपर पैर हैं, नीचे लटके हुए नहीं हैं, चाहे वो बैठने की सूरत में हैं या फिर लेटने की सूरत में हैं, अगर ऊपर हैं तो फिर कुरान करीम की तिलावत की जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है।